हाँ ठीक है, यानी जो माजी और मुजारे का कॉम्बिनेशन है वो जो जी डिफरेंट ग्रुप्स या कॉम्बिनेशंस बनते हैं या पैटर्न्स बनते हैं उनको हम कलेक्टिवली हर एक पैटर्न को एक बाब कहते हैं। तो बाब यानी वहां जैसे ग्रुप के मतलब में, और टोटल 16 मुजरद यानी जो 3 हरफ़ वाला फेल है उसमें 6 अबवाब होते हैं। 16 मुजरद के 6 अबवाब, उनमें पहला है बाब फतह, इसका पैटर्न है फतह यफ्तहु, यानी जो भी इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत से ऐसे फेल हैं कि जो माजी जिनका फ़ाला के वजन पे होता है और मुजारी यफ़लु के वजन पे, तो फतह यफ्तहु की तरह आते हैं। अब ऐसे जितने भी फेल होंगे जो बोलने में फतह यफ्तहु की तरह हैं तो उन सबको हम कहेंगे ये बाब फतह से, ठीक है। तो यूं जैसे हम उसको एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं किसी एक फेल को, और उस तरीके से उस फेल का तलफ्फुज़ जैसे हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये एक तरीका ग्रामेरियंस ने जैसे वजह किया जिसके जरिए नए लफ्जों का तलफ्फुज़ बताया जाएगा। अब होता यह है कि आप कभी भी कोई नया लफ्ज़ पढ़ेंगे, कोई 3 हर्फ़ का नया फेल, आप लेट से किसी आयत में कहीं आपने कोई लफ्ज़ पढ़ा, अब आपने मुजारे पढ़ा आप उसका माजी जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता, या आपने माजी पढ़ा आप उसका मुजारे जानना चाह रहे, तो उसका तरीका यही होता है कि फिर हम लोग लुगत की तरफ रुजू करते हैं। अब लुगत वाला फिर उन अफाल को इस तरह बताएगा, वो किसी भी फेल का तलफ्फुज़ जैसे बताना, जैसे अंग्रेजी हम डिक्शनरीज यूज करते हैं तो वहां पे भी हर लफ्ज का प्रोनाउंसिएशन बताने का एक सिस्टम है, एक पैटर्न है हर एक का। तो यहाँ होता ही है अरबी में कि डिक्शनरीज के अंदर फेले माजी की एंट्री होती है, मुजारे की एंट्री नहीं होती कभी भी, अलग से मुजारे नहीं बताया जाता आपको, ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी है कि आप बेस फॉर्म रखते हैं, या उर्दू में भी जैसे हम फेले माजी लुगत में दिया जाता है, सारे अफाल तो नहीं दे सकते ना कि आप फेल मुजारे भी लिखें फेले अम्र भी लिखें, वरना डिक्शनरी का साइज बहुत बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आप माजी लिखते हैं और जो उसका मुजारे किस पैटर्न पे आएगा आप उसके लिए अबवाब के नाम यूज करते हैं। तो जो भी फेल पता है यफ्तहु की तरह यूज हो तो लुगत वाला क्या करेगा कि वो फेल लिख के माजी लिख के उसके आगे फा लिख देगा ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो फा का मतलब है कि आप इसको फतह यफ्तहु की तरह इस लफ्ज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका मुजारे यफ्तहु के वजन पे आएगा। इसी तरह बहुत से अफाल हैं जो दराबा यद्रीबु की तरह यूज होते हैं, जो उनका माजी फाला पे लेकिन उनका मुजारे यफीलू पे है। फिर इसी तरह तीसरा जो बाब हमने देखा तो नसर यंसुरु है कि माजी फाला के वजन पे आ रहा है लेकिन मुजारे यफूलू के वजन पे आ रहा है। फिर समिया यस्माऊ है कि माजी फईला पे है और मुजारे यफ अलू के वजन पे है। और इस पांचवा जो बाब है वो हसीबा यहसीबू है, फईला यफीलू, और छठा है करूम यकूमु यानी फाउल यफकुलो। तो ये 6 है हमारे पास टोटल 3 हरफी जो अफाल हैं उनके ये पैटर्न्स या ग्रुप्स बनते हैं जिन्हें हम 16 मुजरद के 6 अबवाब कहते हैं। फतह यफ्तहु, तरब यद्रिबु, नसर यंसुरु, समिया यस्माउ, हसीब यहसीबु और करूम यकरुमु। इसमें हमने देखा था कि हसीब यहसीबु इन यूज नहीं है, और करूम यकरुमु जो है वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, रेयर है, उससे अफाल जो आते हैं वो तादाद में बहुत थोड़े हैं, और ज्यादातर जो अफाल हम पढ़ते हैं वो इन 3 अबवाब में यूज हो रहे होते हैं। तरब और नसरा सबसे ज्यादा यूज होते हैं, फिर थर्ड नंबर है समिया का और चौथा नंबर है फतहा का, ठीक है जी। ये बात किसी को समझ ना आई हो तो बताइए। इसके बाद ही हमने एक्सरसाइज भी की थी लास्ट टाइम, फिर हम फेल देख के उसके जैसे बाब का नाम बता रहे हैं कि ये फेल किस बाब से है, और ये एक्सरसाइज उलट तरीके से भी हो सकती है कि आपके सामने कोई रूट वर्ड दिया जाए आपको और आपको बाप बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका माजी और मुजारे बताएं। तो आप अगर आपको बाप का नाम बता दें तो आप उससे माजी मुजारे खुद बना सकते हैं उस लफ्ज से, क्लियर जी। अच्छा, इससे पहले माजी पढ़ चुके हैं आप लोग, माजी के औजान सबको मालूम है सारे, क्या हो गया? इसके दो ही जवाब मुमकिन है, हाँ या नहीं, कुछ तो बोले, चुप क्यों हो जाते हैं आप लोग? जी सर, उसके रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन आज तो वो पता है माजी के किए थे, जो मुजारे और मुजारे के नहीं इतने सही पता है, मतलब याद नहीं किए वो अच्छी तरह, लेकिन रिवाइज करने से वो भी सही हो जाएगा। जी इकरा। अच्छा जी सर, आप ये बताइए कि कद खसीर अल्लदीना कतलू औलादहुम, कतलू जो है ये कौन सा सीगा है? पता लू
मुजक्कर जमा का था और गायब। जमा मुजक्कर गायब है, ठीक है। अच्छा ये जो है ये बाद नसरा से यूज होता है लफ्ज, ठीक है। तो इसका मुजारे क्या होगा कतला का? अच्छा चले, आप मुझे इसके माजी के सब सीगे बता दीजिए। हाँ कतला के कतला, कतला, कतलू, कतलत, कतलत, कतल, कतलता, कतलतन, कतलतना, कतलना, 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 हाँ तो चल ठीक है। फिर कतलता, कतलतुमा, कतलतुन्ना, कतलती, कत्ल सुमा के बाद जमा मुजक्कर गायब, फिर बताएं। हाँ जमा मुजक्कर मुखातिब, सॉरी। कतलतुमा, कतलतुम, सॉरी, कतलतुम, फिर ठीक है कतलती, कतलतुमा, कतलतुन्ना, ये मोनस का है, और कतलतु और कतलना। ठीक है अच्छा। सुलासी मुजरद के जो 6 अबवाब अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो आते हैं आपको? नहीं सर, याद नहीं है, देख के पता चलते हैं बस। चलें, आप लोगों के बस अभी हैं 3 मिनट है, आप सब इसको पहली दफा याद कर लें। जो अबवाब है ना ये आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है, इसको याद कर लें, फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ। जी सर, याद इसको इस तरह करना है कि माजी और मुजारे दोनों का वजन आना चाहिए आपको, ठीक है। दोनों का वजन याद करें, जैसे फतह है यफतहु, तरब है यतरिब, इस तरह। सिर्फ अबवाब के नाम नहीं, ठीक है। माजी का भी वजन आपको पता और मुजारे का। जी सर, जी कर लिए? जी सर, अच्छा जी। चलिए जहरा, आप बताइएगा अबवाब जरा एक दफा पढ़ के क्या क्या औजान। सर हमारे पास माजी के 3 औज़ान है, और इसके मुजारे के भी, फ़ाला यफ़अलु, फ़ाला यफ़इलु, और फ़ाला यफ़ऊलु, फ़ाइला यफ़आलु, फ़ाइला यफ़ईलु, फ़ाउला यफ़ऊलु। सर और कुछ बताना है? ये तो आपने औजान बता दिए ना, अबवाब के नाम के साथ बताए। चूंकि जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि आप लोग जब अक्सर डिफरेंट बुक्स पढ़ेंगे, कंसल्ट करेंगे ग्रामर की या डिक्शनरी आप देखते हैं, तो उसमें रेफरेंस का तरीका ये है कि वो बाब का नाम यूज करते हैं, बाब को रेफर करेंगे। तो अगर फा लिखा है कहीं, दौद लिखा है, नून लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नून का मतलब क्या है, यानी नून बेसिकली किस बाब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बाब के नाम के साथ सर, बताइएगा। औजान आपने ठीक बता दिए, पैटर्न्स तो यही है। सर आप कह रहे हैं कि जो नून वाला बाब है, नासर है, जो है माजी का सीगा है, और यंसुरु जो है वो मुजारे का सीगा है। इस तरह बताएं, नसरा, यंसुरु और सर ऐसे नहीं बताना चाहिए। कैसे? सर ये नासरा के बाप से है, आपने नून का पूछा है तो उसका बता रहे हैं, नासारा यंसुरु। ठीक, हाँ, तो ऐसे सारे अब जी आप बताए ना, 6 के 6 जो है वो जी बताइए। ठीक है, ठीक है सर। सर फिर वो सीन वाला बाब है, सामी यस्माउ, हा से यसर हासिबा यासिबु, और काफ से है कारुमा यक्रमु, और फातहा करूँगा वाला है यफ्ताहु, फा के ऊपर बाब पे है, और जा वाला है दाराबा यजरिबु। यह तरीबु, ठीक है। करूँगा दोबारा बताइएगा, करूँगा का मुजारे। सर यक्रुमु, सर ओके ठीक है जी, सही है। जी नोरीन जी सर, जी, आप भी बताइएगा। अब आप जो है सुलासी मुजरद के वो सुना दें जरा। हेलो हेलो, जी 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 है, आपकी आवाज आ रही है जी। अब आ रही है सर। सुलासी मुजरद के अब आप बताइएगा कौन कौन से हैं और उनका माजी मुजारे बता दें।
जी नूरीन, सर आवाज आपकी आवाज कट नहीं आ रही है, रही, आपकी आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही। कट अच्छा कट रही चले है मैं आवाज किसी और आपकी। से कहता हूँ अभी। जी असद, जी सर, क्या पता है आवाज लगता कम आ सर। रही मेरी? मेरा ख्याल है मेरे पास तो आवाज बिल्कुल ठीक अपनी शो हो रही। क्यों भाई असद, आवाज नहीं आ रही जी हमारी सर, ठीक? सही आ रही सही आ रही। सर, कट कट रही थी आवाज सर। चले असद आप बताइए। फतह यफ्ताहू, दौरबा यद्रिबू, नसरा यंसुरु, समया यस्माउ, हसिबा यहसिबु, करुमा यक्रुमु। ठीक है बेहतरीन। जी राबिया, जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी जी मैंने आवाज लास्ट बिल्कुल क्लास ठीक नहीं आ ली रही थी है। तो मुझे ना जरा डिफिकल्टी हो रही है समझने में थोड़ी। जी इकरा। जी सर, फताहा यफ्ताहू, जराबा यजरीबू, नसारा यंसुरु, समिया यस्माउ, हसीबा यह सबू यह सिबू नहीं, और यहाँ सिबू करुमा होता है वो, यक्रुमु। यहाँ सबू जो लिखा हुआ ना बुक में वो गलत है। ठीक है। यह सिबू और करुमा यक्रुमु। ओके ठीक है जी। सईदा, सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी सर, फतह यफ्तहु, दौराबा यद्रिबु, नासरा यंसुरु, सामिया यस्माउ, हसीबा यहसीबु, करुमा यक्रुमु। बेहतरीन। अच्छा जी इकरा, अब आप बताइएगा ये जो कतल है, मैं ये बता रहा था कि ये है बाब नसरा से, तो इसका मुजारे बनाइएगा, क्या होगा मुजारे? नसर नसरा का मुजारे क्या होता है? हाँ यक्तुलु सर। इस तरह, जैसे नसरा का मैं पता ना कि यंग शुरू है, तो कतल भी उसी जी की तरह यफ आएगा, तो यकतुल, कतल यकतुल। ठीक है। अच्छा यकतुलु के इसके फिर जरा बाकी सीधे बताइएगा मुजारे के। अच्छा याद है मुजारे के। अच्छा असद आप बता सकते हैं? अच्छा मुझे ये बता दें मुजारे के सीधे कितने लोगों को आते हैं? हैंड रेज कर लेता, छह ही तो लोग हैं आप, एक को तो, इकरा को तो नहीं आते, बाकी लोग जिसको आते हैं हैंड रेस्ट। सर, ये जो अभी बोले हैं जो मजारे के जो सीखे, नहीं नहीं इसकी अभी तो बात कर रहे सलासी हैं। मुजरद के अबवाब, वो तो अभी तो हम अबवाब के औजान देख रहे हैं ना, अबवाब जो है सलासी मुजरद के, जैसे हमने माजी के मुकम्मल सीधे पढ़े हुए हैं जो पूरी गर्दान है, इसी तरह मुजारे के किस किस को आते हैं? असद को आते हैं बस। और किसी को नहीं मालूम असद के अलावा? क्यों सर जी? आते हैं लेकिन वो पक्के से नहीं याद है, रिवाइज करके अच्छी तरह याद करके फिर सही तरह आएंगे। अच्छा माजी के तो आते हैं ना सबको। सर भाई, चले फिर आज अभी मैं थोड़ी देर माजी का देख लेता हूँ, फिर मुजारे को उसके बाद करते हैं। अच्छा जी जी नोरीन आप बताइएगा, ये नंबर 28 है। वला इन कफर तुम इन आजाबी लशदीद, इसमें कफर तुम ये कौन सा सेगा है? और तो सर ये हाजिर जमा हाजिर मुजक्कर है। बिल्कुल ठीक है। नहीं किसने कुफर किया? आपने कुफर किया या तुमने कुफर हाँ ठीक है, किया? तुम लोगों ने। ठीक है। अच्छा
अच्छा, इसका जो बाब है कफारा का, ये भी बाब नसारा है, सारा ठीक है जी जी। तो इसका मुजारे भी बता दें मुझे। कफारू नहीं, यंसुरु उसका नसरा का आएगा ना, यंसुरु जी कफोरु यंसुरु ना, ना यन या है ना, चाहिए ना स्टार्ट, यकफुरु यकफुरु, बिल्कुल ठीक है, यकफुरु, यकफुरु ठीक है, सही है जी। जी राबिया, जी सर। आप बताइएगा ये नंबर 31 जो है, मा कतलूहू व मा सलबू, तो कतलू कतलू और सलबू कौन सा सीगा है? कतलू है जमा मुजक्कर गायब है, जमा जमा मुजक्कर मुजक्कर गायब गायब सर है, बिल्कुल ठीक है। जी। यानी किसने कत्ल किया? उन्होंने, उन्होंने ज्यादा लोगों के उन्होंने कत्ल बिल्कुल किया सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। ओके अच्छा, और और सलबू भी सेम है, वो उसी पे प्यार है, ठीक है जी जी जी। जमा सईदा मुजक्कर जी, वो भी वही है जी सर। जी। ये है गफरना लहू जालिक, तो गफरना ये कौन सा सीगा जी सर वफ़ना जी? सर जमा मुतकल्लम जमा मुतकल्लम, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है जी। जहरा, हाँ जी सर। ये नंबर 21 बताइएगा। मा रबी हज हज, ये रबी हज जो, सर आपने कौन सा नंबर बोला? ये नंबर 21 है, रबी हज, मा रबी हज, तो रबी हज क्या है? सर ये मोनस गायब का सी गया मुअन्नस गायब और वाहिद तस्निया के जमा, वाहिद जी सर वाहिद वाहिद मुअन्नस वाहिद गायब, ठीक है। ये है बाब समया से, तो इसका मुजारे क्या होगा? सर। इसका मजारे सर आपने कौन से वाला बाप बताया? समिया, बिल्कुल यस्मा उसे हम सर ये इसका भी मजारे बना के बताएं आप कह रहे हैं जी। रबीहा का मुजारे, सर यार भी हद यार नहीं यस भी हद समिया, यस तो मऊ होता है ना, तो यस मऊ की तरह बनेगा। सर यशमा तो आएगा लेकिन आपने बोला कि रबी हद का भी वो मुजारे बनाओ जी, ये कैसे बनाए? मैं आपको बाप बता रहा हूं कि बाप समिया है। अब बाप पढ़ने का मकसद यही होता है ना कि आप किसी लफ्ज का तलफ्फुज जान से, तो बाप समिया पे होने का मतलब है कि इसका मुजारे का पैटर्न वही होगा जो समिया के मुजारे का पैटर्न है। समिया का मुजारे होता है यस्माऊ, सर तो इसका भी मुजारे यस्माऊ के वजन पे, यानी यफ अलू के वजन पे क्या बन जाएगा? इसको पहले आप कह रहे हैं कि समिया के वजन पे कन्वर्ट करें ये ऑलरेडी समिया के वजन पे है ना, समिया और रबिया एक वजन पे नहीं लग रहे। सर एक वजन पे ये वो हमें सर हमें या इसके अंदर ऐड करते हुए कंफ्यूजन हो रहा है कि या किधर ऐड करें रा के साथ या बा के साथ ये यफ अलू में और यस्माऊ में या का नंबर क्या है? फर्स्ट लेटर है ना या, तो या स्टार्ट में ऐड हो गए थे। सर ये फिर यार भी हाँ तू आएगा अरे नहीं, अच्छा इसका रबीहत का वाहिद मुजक्कर गायब क्या होगा, या इसका मादा क्या है, तीन हर्फ जो है इसमें? सर। आप कह रहे हैं इसके साथ गर्दान इसके बनाए मुझे पूरी सिर्फ बनाए इसका, यानी कि आप नहीं पहला सीगा बता दे, सिर्फ पहला सीगा, वाहिद मुजक्कर गायब जो होता है, बेस फॉर्म क्या होगी रबीहत की? रबी हाँ
हाँ रबी, हाँ तो इसका हरूफ असली क्या है, वो जो रूट लेटर्स होते हैं, राब बा और हा। राबा हा है ना। अब राबा हा को यफ अलू के वजन पे प्लेस करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा? सर राहाबा यरहाबू यार सर यर हाँ सर पर आई एम टेक अ साइड आई एम टेकिंग माय क्लास प्लीज जी सर जी, फिर बोलिएगा। चले इसको आप फिर मुझे सोच के भी बता दीजिएगा बात। सर यरहबू यार हबू में लेटर्स चेंज हो रहे हैं ना, आप हा पहले बोल तो रही हैं, बा बाद आप में बोल रही यहराबू हैं। नहीं, चले आप लिख के मुझे फिर बता दें, ठीक है। चले जी ठीक आगे है चलते हैं मुजारे की तरफ। अच्छा मुजारे में पहले सीरे में ये तो सबको मालूम है ना कि इसमें क्या होता है। पहला हर्फ जो इसकी बेस फॉर्म है वो मुजारे के स्टार्ट सर में हमेशा कौन सा हर्फ होता है? या या होता है, ठीक है। अच्छा तो जो भी बेस फॉर्म होगी, जितने भी हर्फ का हो, 3 हर्फ 4 5 जितने हर्फ का मर्जी हो मुजारे, वो स्टार्ट या से होगा हमेशा। ये पहला सीगा कौन सा सीगा होता है, किसके यानी पर्सन के लिए यूज करते हैं? वाहिद मुज़क्किर गायब वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक हो गया। तो जैसे फेले मुजारे हैं मिसाल के तौर पे यज़हबु, तो यज़हबु वाहिद मुज़क्कर गायब हो जाता है। इसी तरह यस्माउ, यफ्तहु, यंसुरु, यक्तुबु, यक्तुलु, ये सारे वाहिद मुज़क्कर गायब। तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए क्या करते हैं जी, क्या ऐड करते हैं? अलिफ और नून अलिफ अलिफ और नून ऐड करता और नून ऐड होता है, ठीक है। तो दो लोग जा रहे हैं तो यज़हबु से हम बोलेंगे, हाँ यज़हबान यज़हबान यज़हबानी, ठीक है। इसी तरह यकतुबु से यकतुबानी, यजलिसु से यजलिसानी। जमा मुज़क्कर गायब के लिए क्या ऐड करते हैं? वाओ और नून वाओ नून, बिल्कुल ठीक है। जैसे वाओ यजहबूना, यकतुबूना, यजलिसूना, ठीक है। फिर वाहिद मोनस गायब के लिए क्या किया जाता है? सर पेश ऐड की जाती है नहीं पेश ऑलरेडी होती है। ता 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 हाँ जी, पहला ता हर्फ जो या है उसको आप चेंज कर देते हैं या से, तो यजहबु से हो जाएगा तजहब, ठीक है। ठीक है सर तस्निया मोनस गायब जो है इसमें क्या करते हैं? ता के साथ अलिफ नून नहीं लगने का इसमें जी स्टार्ट में ता है और एंड पे अलिफ नून लगेगा, जैसे तजहबानी, तफरीबानी, तमसुरानी, तफअलानी, ठीक है। इसके बाद जमा मोनस गायब में क्या होता है? फिर इसमें या ही है और नून के ऊपर जबर हाँ जी, स्टार्ट में हर्फ या होता है और एंड पे आखिरी साकिन करने के बाद नून ऐड करते हैं, जबर वाला मफ्तूह, ठीक है। तो यजहबु से क्या होगा लफ्ज, वो औरतें जाती हैं तो हम कहेंगे यजहबना। इसी तरह यदरिबु से यदरिबना, यंसुरु से यंसुरना, ठीक है। ये गायब हो गया। जमा मोनस गायब में स्टार्ट में या है लेकिन वाहिद मोनस गायब और तस्निया मोनस में स्टार्ट में ता है, ठीक है। और मुजक्कर गायब की तीनों सीगों में स्टार्ट में या है, क्लियर है ये बात। अलिफ नून जी किस में ऐड सर करते हैं?
तस्निया में, तस्निया में। और वाओ नून किस में ऐड होता है, जमा जमा में, मुजक्कर में के मोनस में? जमा मुजक्कर में, जमा मोनस मुजक्कर में। और में, सिर्फ नून किस में ऐड होता है, मोनस मोनस में, मोनस में। में, जमा मोनस में। ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी आगे चले, मुखातब, वाहिद मुजक्कर मुखातब, ये कैसे होता है इस्तेमाल? इसमें शुरू में ता लगा है, ता जबर ता, हाँ जी, शुरू में जो या और है आखिर में उसको पेश है। आप बदल देते हैं ता से, या की जगह ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यजहबु से तजबु, यद्रिबु से तद्रिबु, यंसुरु से तंसुर। ठीक तो है, सर इसमें वाहिद मोनस गायब और वाहिद मुजक्कर हाजिर दोनों सेम हो जाएंगे। जी सेम होंगे। कैसे करेंगे इनका फर्क, फिर कॉन्टेक्स्ट से करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी बात हुई भी है जब हमने पढ़ा था कि इसमें कोई फर्क नहीं होता, देखने में दोनों लफ्ज एक ही जैसे आपको लगेंगे। इन पूरी मतलब जुमले से समझ आएगी कि क्या बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट जी से। ऐसे, जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जी तस्निया में बताएं, तस्निया मुजक्कर मुखातब, स्टार्ट में कौन सा हर्फ होगा? ता और फिर एलिफोन एंड पे। जी हाँ जी, स्टार्ट में ता है और एंड पे अलिफ नून है। तो जमा मुजक्कर मुखातब में क्या होगा, जैसे तफलानी, तजबानी, तफरीबानी, तनसुरानी। जमा मुजक्कर मुखातब में लूना सर, वाओ और नून, तफ आलूना जी स्टार्ट में ता है और एंड पे वाउन नून है, यूज़ जैसे तजबूना, तद्रिबूना, तंसुरूना। उसके बाद वाहिद मोनस मुखातिब, सर। इसमें यार नून ऐड और एज जी, स्टार्ट में ता है और एंड पे या नून ऐड होता है, जैसे तजहबीना, तद्रिबीना, तंसुरीना। ठीक है, जी सर। फिर तस्निया, तस्निया जो है मोनस, इसमें भी स्टार्ट में हर्फ होगा ता, एंड पे अलिफ नून। फिर जमा मोनस मुखातब जो है, स्टार्ट में हर्फ क्या है, पर इसमें ता का फर्क है जी और ता है वैसे स्टार्ट में और नून एंड पे, एंड के पे नून है पहले जबर वाले। ठीक है, उसके बाद मुतकल्लम आ जाता है, वाहिद मुतकल्लम में कौन सा हर्फ होगा स्टार्ट में, अलिफ अलिफ, और अलिफ जमा मुतकल्लम में नून नून होगा। नून क्लियर है अब सबको, जी सर। सही है, तो हमने सारे ही लफ्ज देख लिए। ठीक है, एक दफा फिर बोल देता हूँ, चार तरह के ऐसे हैं सीगे जिनमें एंड पे कोई चीज ऐड नहीं होती, कोई हर्फ आप इजाफा नहीं करते। ठीक है, एक है जो या दूसरा ता से शुरू हो रहा है, तीसरा अलिफ से, चौथा नून से, यजहबु, तजहबु, तजहबु, तजहब। जो स्टार्ट में या वाला सीधा है वो कौन सा, वो गायब का कौन सा मुकम्मल बताए ना, पूरा नाम बताए, कौन सा गायब? वाहिद मुजक्कर गायब और तस्निया मुजक्कर गायब और ना, जमा मुजक्कर गायब। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ, अभी मैं से बात कर रहा हूँ ऐसे लफ्जों की जिनके एंड पे कुछ एडिशन नहीं होता है, जैसे यजबु, तजबु, अजबु, नजब, इनमें या वाला कौन सा है, वाहिद मुजक्कर गायब का, ता गायब वाला, ता का हाजिर का, वाला हाजिर का, वाहिद मुजक्कर हाजिर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और ये दो जगह आता है ता वाला। की देना और वाहिद मोनस गायब। वाहिद मोनस गायब, बिल्कुल, तो पूरी बात याद रखनी है आपने। देना ठीक है, ये दोनों जगह यूज होगा, वाहिद मोनस गायब और देना वाहिद मुज़क्कर साथ। अलिफ वाला कहाँ आएगा, मुतकल्लिम, वाहिद मुतकल्लिम में और नून वाला? वाहिद जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि चार इस तरह के सीगे होते हैं मुजारे के जिनके आखिर में किसी हर्फ का इजाफा नहीं होता, और जैसे यजबु, तजबु, अजबु, नजबु, इसमें या आपने देखा है कि वाहिद मुज़क्कर गायब का है,
ता जो है ये दो जगह यूज होता है, वाहिद मुज़क्कर मुखातब और वाहिद मुअन्नस गायब। अलिफ वाला जो है वाहिद मुतकल्लिम के लिए है, नून जमा मुतकल्लिम के लिए। ठीक है। अच्छा अब जो है ये बताइएगा कि वो कौन सा सीगा है जिसके एंड पे नून ऐड होता है, सिर्फ अकेला नून, यानी नून होगा और उससे पिछला साकिन होगा। जमा मुअन्नस सर हुआ सेक इसका, जमा मुअन्नस, जमा मुझे बिल्कुल नहीं, जिसमें अकेला नून है, यानी नून ऐड हुआ है, नून से पिछला साकिन, ये मुजक्कर की जमा है या सर मुअन्नस की? जमा मुजक्कर गायब है सर, ये है नहीं, सर सेकंड यज़हबना लास्ट है जैसे, या तज़हबना है जैसे कि एंड पे नून आप ऐड कर रहे हैं और उससे लास्ट लेटर साकिन कर रहे हैं, जमा मोनिस गायब है ये। ये जमा मुअन्नस है और ये सिर्फ गायब नहीं है, ये दो जगह आता है, यज़हबना हाजिर तज़हब। अगर हाँ जी, अगर एंड पे आप देख रहे हैं कि जी एक लफ्ज में नून ऐड में हुआ हुआ है तो इतना पता चल जाता भी है जमा मुअन्नस। है, अब गायब है हाजिर या हाजिर उसका फर्क पहले अर्फ से पता चलेगा। अगर स्टार्ट में या है तो ये कौन सा जमा मुअन्नस है, जैसे यज़हबना या दुरिबना या सुरना, सर वो गायब गायब का है जमा अगर जा मुअन्नस है है। और अगर स्टार्ट में ता है तो तो फिर फिर वो हर कान। जमा मुअन्नस हाजिर है। ठीक है, तदुरिबना, तनसुरना, तज़हबना। क्लियर है? नून जो सिर्फ ऐड होता है वो जमा मुअन्नस में होता है, स्टार्ट में या होगा तो जमा मुअन्नस गायब, स्टार्ट में ता है तो जमा मुअन्नस मुखातब। अच्छा अब बताएं कि वो कौन से सीगे हैं जिनके आखिर में वाव नून का इजाफा किया जाता है, वाव भी ऐड होता है नून भी, दो हर्फ ऐड। जमा मुजक्कर हाजिर सर, मुजक्कर जमा गायब मुजक्कर में वाव नून ऐड होता है, हाजिर में भी ऐड होता है, गायब में भी ऐड होता में है। और फर्क कैसे पता चलेगा? अगर जमा स्टार्ट में मिसाल के तौर पे या है तो वो कौन सा जमा मुजक्कर है? गायब का गायब। जमा मुजक्कर गायब, वो स्टार्ट में अगर ता है तो। जमा मुजक्कर हाजिर हाँ जी, यज़हबूना ये जमा मुजक्कर हाजिर, और सॉरी गायब, जमा मुजक्कर गायब, तज़हबूना है तो जमा मुजक्कर मुखातब। ठीक है, तो वाव नून ऐड हुआ हुआ है तो इसका मतलब है जमा मुजक्कर है। अब या गायब को इंडिकेट करेगा और स्टार्ट पे करता है। अब आ जाए उन सीगों की तरफ जिनमें आखिर में अलिफ नून का इजाफा होता है। ठीक है, तो अलिफ नून का इजाफा किन सीगों में होता है? जी तस्निया में तस्निया में होता है। होता हाँ जी, तस्निया के बहुत सारे सीगों में, तस्निया मुजक्कर सर, में भी, मुअन्नस तस्निया में भी। मोनस गायब भी है और फिर तस्निया जी मुजक्कर बहुत सारे, हाजिर भी है, देन बिल्कुल तस्निया मोनस हाजिर अगेन है, ये बिल्कुल चार सही है, है। चार है ना सर? हाँ जी, चार जी हैं, सर, यानी चार, मतलब ठीक है। हाँ चारों ही बन जाते हैं, चूंकि तस्निया मुजक्कर गायब, मुअन्नस गायब, मुजक्कर हाजिर, मुअन्नस हाजिर, सारों में ही अलिफ नून सब में आए। अब अगर स्टार्ट में या है तो ये कौन सा तस्निया? स्टार्ट में या हो गायब कौन सा गायब, पूरा का बताएं। तस्निया मुजक्कर गायब, हाँ जी, तस्निया मुजक्कर गायब, जैसे यज़हबानी, यजलिसानी, यंसुरानी, ये तस्निया मुजक्कर गायब। और अगर स्टार्ट में ता हो और एंड पे अलिफ नून का एडिशन हो तो फिर ये कौन सा तस्निया? तस्निया मोनस गायब होएगा सर। ये मोनस गायब भी हो सकता है, और और सर ये वो सर तस्निया मुजक्कर मुजक्कर, सर ये हाजिर सर मुजक्कर हाजिर भी हो सकता है, सर और ये तो फिर तस्निया मोनस हाजिर भी होएगा। जी मुअन्नस हाजिर भी हो सकता है। ठीक है, तो तस्निया के ओके चार सर, सीगे हैं ठीक, ना, उनमें हाँ जी या एक में आता है सिर्फ, तस्निया मुजक्कर गायब में या है, बाकी तीनों में ता है।
ता स्टार्ट में है तो वो मोनस हाजिर भी हो सकता है और मुजक्कर हाजिर, सॉरी मोनस गायब भी हो सकता है, मुजक्कर हाजिर भी हो सकता है, मोनस हाजिर भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो तजहबानी के तीन मतलब हो सकते हैं। वो दो लड़कियां जा रही हैं, तुम दोनों जा रहे हो, तुम दो लड़कियां जा रही हो, तीनों के लिए दुरुस्त है। ठीक है सर। ठीक है जी, अब सर हमने एक वो रह भी गया क्या? बना लिया है सर, वो जो हमने आपको रॉन्ग बता दिया था, राबी हद का उसका जो मुजारे बनाना था वो यरबाहू है सर। ठीक हाँ जी यार, बाहू, बिल्कुल जी, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, है सर। सही हो गया। अच्छा, एक जो है, एक सीगा रह गया जिसमें या नून ऐड हो, ये कौन सा सीधा है? सर वाहिद मोनिस हाजिर का या नून का बोला ना सर आपने? जी, हाँ जी सर, वाहिद मोनिस हाजिर के। ठीक बस सही है। ठीक है, तो बस ये मुजारे की कुल गर्दान है, सारे लफ्ज हो गए। ठीक है, चार तरह के लफ्ज हैं जिनमें कोई एडिशन नहीं है, उनमें आपने पहले हर्फ को देखा है, या है तो वाहिद मुजक्कर गायब या जबू, ता है तजबू तो वाहिद मोनस गायब हो सकता है, मुजक्कर मुखातिब भी हो सकता है, अजबू है अलिफ स्टार्ट में तो वाहिद मुतकल, नून है नजबू तो जमा मुतकल है। ठीक है जी, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो सीगे जिनके आखिर में नून का इजाफा होता है, लास्ट लेटर साकिन और नून ऐड होता है, ये मोनस गायब के सीगे होते हैं। इनमें पहले हर पे या हो तो ये मोनस गायब, यानी अरे सॉरी गलत कह गया, वो सीगे जिनमें सिर्फ नून का इजाफा होता है, आखिरी साकिन और नून का इजाफा, ये होते हैं जमा मोनस के सीगे। अगर स्टार्ट में या होगा तो जमा मोनस गायब है, स्टार्ट में ता है तो जमा मोनस हाजिर है। फिर जिन सीगों में वाव नून का इजाफा होता है वो जमा मुजक्कर के हैं, स्टार्ट में या है तो जमा मुजक्कर हाजिर, ता है तो जमा मुजक्कर, ये तो पता नहीं क्या हुआ, स्टार्ट में या है अगर तो जमा मुजक्कर गायब, स्टार्ट में ता है तो जमा मुजक्कर मुखातब। ठीक है, अलिफ नून अगर ऐड हो तो ये सारे तस्निया के सीधे हैं, स्टार्ट में या होगा तो तस्निया मुजक्कर गायब है, स्टार्ट में अगर या है तो तस्निया मुजक्कर गायब, स्टार्ट में ता है तो बाकी तस्निया के तीनों सीधे हो सकते हैं, यानी मोनस गायब भी हो सकता है, मुजक्कर मुखातब भी और मोनस मुखातब भी, और अगर या नून ऐड हुआ है तो वो वाहिद मोनस मुखातब। क्लियर जी? सर आप पेपर में भी हमसे यही पूछेंगे ना? जी यही पूछेंगे। अच्छा हाँ जी सर, यही पूछिएगा, यही आते हैं बस। चले, अच्छी बात है। अच्छा भाई, अब ये बताइएगा असद साहब। जी सर, हाँ यार, ये पहला जो है, इन अल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब, इसमें यग़फिरु कौन सा सीगा है? सर वाहिद मुजक्कर का एक वाहिद मुजक्कर गायब है, बिल्कुल ठीक है। सही जी, राबिया नंबर टू जो है, वो वल्लदी यकबल, तो यकबल कौन सा सीगा है इसमें? जी राबिया है, जी इकरा आप बता दें। सर वाहिद मुजक्किर गायब का। वाहिद मुजक्कर गायब है, ठीक है। जी जहरा, ये नंबर थ्री, नरजुकू, सर मुजारे कैसे के बताने हैं ना हमने ये? जी ये एक मुजारे है तो सेकेंड, मुजारे के ही बताएंगे। सर आपने हमें कौन से नंबर 3 बोला है ना आपने? जी सर ये नहनू वाला तो कोई नहीं अरे होता है, इसे नरजुकू, आगे वाला नरजुकू है, नरजुकू, जी, सॉरी ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। यरजुकू कौन सा सीगा होगा? यरजुकू हो गया,
सही है, तो ये गायब कैसे गए सर? तो नरज़ुकू कौन सा हो? सर आप ये नून की वजह से हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्टार्ट में या आना होता है, यहाँ पे नून है। नहीं चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं सर अभी हमें बता दें दोबारा आता हूँ पहले आपकी ये तरफ। कंफ्यूज हो, ये फिर आपने पेपर में भी हमसे पूछेंगे, हमसे गलती हो जाएगी। आप सुनिए अभी, बाकी किसी और से मैं पूछता हूँ। जी असद जी यार, आप बताएं, नंबर 3 जो है नरज़ुकू। सर, ये जमा मुतकल्लिम, तस्निया है जमा मुतकल्लिम। तस्निया या जमा मुतकल्लिम, ठीक है। अच्छा, इसके सारे लफ्ज अब एक दफा जरा बता दें, पूरी गर्दान कीजिएगा इसी से, नरज़ुकू से। नरजुकु, यरजुकु, यरजुकानी, यरजुकूना, तरजुकु, तरजुकानी, यरजुकना, फिर तरजुकु, तरजुकानी, तरजुकूना, तरजिकीना, तर्जुकीना, ठीक है। तर्जुकीना, तर्जुकानी और तर्जुकना, फिर अर्जुकु और नर्जुकु। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। जी इकरा, जी सर, यह कुमु। इससे जरा कीजिएगा गर्दान। यह कुमानी, यह कुमोना, तहकुमु, तहकुमानी, यह कुमना, ठीक तहकुमु, तहकुमानी, तहकुमुना, तहकिमीना, है, तुमी ना, तहकुमीना, तहकुमानी और तहकुमना और अहकुमु और नहकुमु। बिल्कुल ठीक है। जी राबे हैं कि नहीं? अच्छा जहरा, ठीक हाँ जी सर, जी, आप बताइएगा पहले। नस्खरु, नस्खरु जो है ये नंबर 5 में, पहले तो ये बताइए सीगा कौन सा है। अगेन इसमें नून है स्टार्ट पे। सर ये जुम्मा मुजफ्फर हाजिर है। कैसे पता चला आपको? सर ये ता है इसके स्टार्ट में और एंड पे वाव और नून है, हाँ नून साकिन है। हाँ अरे नहीं, नस्खरू कह रहा हूं, नस्खरू। सही है, वाहिद मुजक्कर हाजिर। सर क्यों? सर वाहिद मुज़क्कर हाजिर के स्टार्ट में नून होता है। नहीं सर सर उसके वो ता होता है, ये या वाले में आएगा, पहले वाला वाहिद मुजक्कर गायब। आप कौन से लफ्ज का बता रही हैं? सही है, नस्खरू कह रहे हैं आप तो नस्खरू में सही पहला है, लफ्ज क्या नून है? है सर। नून है, तो नून के सीगे में आता है स्टार्ट पे। सही है, वो मुतकलम के वाहिद कौन सा मुतकल्लिम? वाहिद के जमा। सर, तस्निया वाला जमा सर। तस्निया और जमा मुतकल्लिम दोनों में, ठीक है। अच्छा, इससे गर्दान कीजिएगा मुकम्मल, सारे सीगे बताइएगा। यस्कारु, यस यस रानी, यस कारून ना,
और सर तस्खा रो रानी, और फिर सर उसे अगला सीखा कौन सा है? पिछला सीखा बोलिएगा दोबारा। सर हमने इस पे वाहिद मोने से बोला था, नस तस खारू और तस खारानी, तस खरना, तस खालू दो सर। सर फिर आएगा लास्ट जो है ना, तस्खरना नहीं होगा, यस खरना होना चाहिए। ठीक जी जी सर, वो है या आपने कहा था ठीक है। जी। और फिर सर आगे ता से बनाना है ना इसको, तस तस्खरू और सर ठीक है ठीक तस्खा रानी और तस्खा रूना, तस खा रीना, तस आलानी, तस्खरीना, तस तस्खरानी। जी सर तस फिर तस खरना, और फिर सर आ जाएगा अस्खरना, फिर आ जाएगा हाँ, नस खर नस खरो। हाँ, वाहिद मुतकलम दोबारा बताएं। सर सर अलीफ ऐड करेंगे ना? दोबारा बोल दें एक दफा। सर पता नहीं हमने क्या बोला था, इतने मुश्किल से हमने सही बोला था सर। सर हमने बोला था नून को नहीं बोला था, हमने बोला था अस का रू। ठीक है, चलिए ठीक है जी। ठीक है बस सर, नून इसको इस को तरह साइलेंट करना था जी ना सर? जी जी ठीक, इस तरह बस प्रैक्टिस करें। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो इस वजह से आज की क्लास भी जैसे हमने से प्रैक्टिस की और नया कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन ये प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। मतलब पूरी क्लास में एक आदमी को, मेरा ख्याल एक स्टूडेंट को एक दफा मौका मिलता है, मैक्सिमम दो दफा। इतना आपको मतलब मिनिमम 2 से 3 घंटे कोई दें, कम से कम वीकेंड पे तो दें, अगर रोजाना नहीं टाइम मिलता, रोजाना 10-15 मिनट एक आध फेल को तो आप दे सकते हैं। तो इसको लिख के भी करें और बोल के भी करें, ये तब होगा, वरना तो ये ऐसा ही है कि बस आप बता सकेंगे सिर्फ किसी को कि जी हमने अरबी की क्लास ली थी, आता नहीं होगा कुछ भी। तो ये चीज़ तो प्रैक्टिस के बगैर नहीं सीख सकते आप। क्योंकि इसमें कोई वो तो नहीं है ना कि जैसे आपने कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया और आपने आगे डिलीवर कर दिया। यहाँ तो आपको जैसे बाकायदा वो सीखनी है, वो डिफरेंट शेप्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, और उन्हें अपने यूज में ला। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।